नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बक्सर में गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती थी और कैमरे से बाहर की गतिविधि की भी निगरानी की जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, ये बड़ी खबर बक्सर से, जहां अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये थोड़ी देर पहले की संध्या में कि डुमराव क्षेत्र में, नया भोजपुर थाना क्षेत्र में, बिल्कुल नेशनल हाईवे के साइड में एक घर में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है। तत्काल एक टीम का गठन किया गया जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमराव के नेतृत्व में था और कुछ अन्य पदाधिकारी उसमें रखे गए। इन लोगों के द्वारा सूचना का सत्यापन किया गया, तदुपरांत इनके द्वारा छापेमारी की गई। सूबे बिहार के बक्सर में बक्सर पुलिस ने एक उद्योग का दर्जा ले चुके हथियारों के अर्धनिर्मित फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। अभी रात के अंधेरे में 12 बजे लगातार जिस तरह से छापेमारी में करीब करीब आधा दर्जन से ऊपर जो हथियार के बनाने के जो कारीगर हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, मकान मालिक गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार अर्धनिर्मित हालत में दर्जनों की संख्या में बरामद की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से बक्सर जिले में आज उद्योग का रूप ले चुका हथियारों का फैक्ट्री का खुलासा बक्सर एसपी मनीष कुमार ने देर रात 12 बजे के करीब में किया। जानकारी देते हुए एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 922 पर एक मकान में लेथ मशीन से लेकर अन्य तमाम जो वेपन बनाने के मशीन्स हैं उसकी एक बड़ी कारखाना के रूप में यहाँ संचालित की जा रही थी, जिसमें अर्धनिर्मित करीब करीब 2 दर्जन से ऊपर वेपन्स जब्त किए गए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर और सीतामढ़ी समेत बक्सर के कई लोगों को पकड़ा गया। इस बड़े खुलासे के बाद अब देखने वाली बातें होंगी कि इस जो अवैध निर्माण की उद्योग का रूप में फैक्ट्री चल रहा था उसमें अभी जो खुलासे होने बाकी हैं, देखने वाली बातें होंगी कि बक्सर में इस तरह के अर्धनिर्मित पिस्टल्स की फैक्ट्री का संचालन किन लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसमें अभी बड़ा खुलासा होना बाकी है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।